आप सभी को नमस्ते। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी लोग अपनी योगा मैट में आराम से लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों पैर आपकी मैट के दोनों किनारे पे इस तरीके से, और दोनों हाथ के बीच में फासला। सभी लोग अपनी मैट पे लेट जाएं। दिन भर की सारी टेंशन, परेशानियां एक सब को कुछ देर के लिए किनारे रख दें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को शांत कर लें। रिलैक्स हो जाएं। ये पूरा एक घंटा आपकी खुद की सेहत के लिए है। योग की मदद से हम अपने बॉडी, माइंड और सोल पे काम करते हैं। चलिए खूबसूरत दिन की शुरुआत करते हैं। हम एक बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग से दोनों पैरों को एक साथ लेके आइए सभी लोग, और दोनों हाथों को इस तरीके से हवा में उठाते हुए अपने सर के ऊपर लेके जाइए, और अपनी दोनों हाथ की पंजों को, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए और हथेलियां दीवार की तरफ घुमा दीजिए। अपने ऊपरी शरीर को, अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए, लोअर बॉडी को नीचे की तरफ खींचिए, खींचिए खींचिए खींचिए, एक खूबसूरत सा स्ट्रेच कीजिए और कम बैक। नाउ टर्न टू योर लेफ्ट और राइट एंड जेंटली कम अप। अपनी दाहिनी या बाईं तरफ घूम के आराम से अपनी मैट पे बैठ जाएं। आंखें बंद रखें और हम सभी शुरुआत करेंगे आज के दिन की एक प्रेयर से, प्रार्थना से। सभी लोग आंखें बंद कर लें और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम तीन बार आ ऊ मा का उच्चारण करेंगे। अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने माथे में इस जगह पे रखेंगे, फोरहेड में, दोनों भावों के बीच में इस जगह पे अपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, केंद्रित कीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए vibration of Omkara in your body, in your mind, आपके चारों तरफ का जो environment है कितना शांत है, कितना साफ है, positivity से भरा हुआ है। चलिए दोनों हाथों के पंजों को एक साथ लाइए, नमस्कार मुद्रा में अपनी छाती के सामने रखिए, आंख बंद रखेंगे। सभी लोग विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमात्मा, या अल्लाह, हे वाहेगुरु, हे जीसस, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग सुख की अनुभूति कर सकें, कहीं भी दुख ना हो। शांति मेरे खुद के अंदर, शांति मेरे चारों ओर एनवायरमेंट में, शांति पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में, यूनिवर्स में। इस प्रार्थना के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ के पंजों को बहुत अच्छी तरीके से रगड़ें और ऊर्जा उत्पन्न करें, एनर्जी क्रिएट करें। दोनों हथेलियों के बीच में गर्माहट महसूस करें और जब गर्माहट आ जाए तो दोनों हाथ को इस तरीके से कप बना लें और अपनी आंखों के ऊपर आराम से रखें। आंखों को दबाएंगे नहीं, ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन इससे आपके आंखों की ज्योति हमेशा बरकरार रहेगी। आप अगर चश्मा लगा है तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी आपको फर्क नजर आएगा, और अगर बच्चे इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपको कभी भी आंखों की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए धीरे धीरे आंखों को हल्का सा झपकेंगे, ब्लिंक करेंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ देखें, फर्श की तरफ देखें और धीरे धीरे ब्लिंक करते हुए सामने की तरफ देखें। आप सभी को नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घर पे होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे। योगा क्लास में योग करने के पहले आप जब भी आप अपने सेशन की शुरुआत करें, सभी लोग नहा के योग किया करें। इससे आपके शरीर में एक पॉजिटिविटी आएगी, आप रिफ्रेश महसूस करेंगे। और योग का जो पहला स्तंभ है, एट लिम्स ऑफ योगा जो महर्षि पतंजलि ने बताया, उसका पहला स्तंभ ही यही है कि हमारे शरीर की जब साफ सफाई होगी, हमारा शरीर जब साफ होगा, तभी तो हम एक स्टेप आगे बढ़ के अपने मन की शुद्धि करेंगे। तो हमेशा योग की साधना में, हमेशा योग को साधना की तरह लीजिए, अपने आप आपकी पर्सपेक्टिव सारे चेंज हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत करेंगे कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस से। कंधे को ऊपर उठाइए, 1 2 इनहेल एक्सहेल, ज्यादा नहीं करेंगे, 2 से 3 राउंड। मैं आपको यही हमेशा रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप क्लास में आए तो ये वार्म अप एक्सरसाइजेस जरूर कर लिया कीजिए। 1 2 क्लॉकवाइज, 1 2 करते रहिए। गर्दन को घुमाइए पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से गर्दन को घुमाइए सारे लोग। कंटिन्यू परफेक्ट। चलिए क्लॉकवाइज, इनहेल पूरा सर्कल बनाइए एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, यही एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर की तरफ ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर की तरफ ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन। एक बहुत बढ़िया से एक चक्कर लगाएंगे अपने शोल्डर्स का। इनहेल इनहेल एंड एक्सहेल, नीचे आते हुए एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, उल्टा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए गर्दन को थोड़ा सा और भी ज्यादा स्ट्रेच करते हैं। दाहिने हाथ को पुश करेंगे अपने लेफ्ट हैंड के साइड और जस्ट आपके सर से ऑपोजिट बल लगेगा, कैसे, ऐसे 1 2 3 4 5। और इसी तरीके से बाएं हाथ को हम पुश करेंगे आपके राइट हैंड साइड और आपके सर को
सर से जस्ट अपोजिट एक बल लगेगा, प्रेशर लगेगा, एक दूसरे के अपोजिट बल लगाएंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरीके से पीछे की तरफ हाथ को आगे की तरफ ढकेलेंगे, सर को पीछे की तरफ ढकेलेंगे और दोनों में एक तरीके का प्रेशर महसूस करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए सभी लोग अपने अपने मैट पे खड़े हो जाएं और कुछ करते हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस। वॉकिंग करना शुरू कीजिए, जिस जगह पे भी आप खड़े हैं सभी लोग वॉक करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे वॉक करना शुरू करेंगे और आपकी स्पीड को फिर धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। सारे लोग थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सभी लोग ये महसूस करें कि आपका शरीर इस अभ्यास के दौरान एकदम निर्मल हो जा रहा है, आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा दें सभी लोग जिस जगह पे भी हैं। 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। चलिए दोनों हाथ को इस तरीके से मुट्ठी बना के छाती के सामने रख सकते हैं और जंप करना शुरू करेंगे। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 इस तरीके से 10 राउंड करते हैं। किस तरीके से पैर को करेंगे, 1 2 1 1 2 1 इस तरीके से 10 राउंड करते हैं। सभी लोग शुरू करते हैं, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 चलिए कीप जॉगिंग कीप जॉगिंग। अपने कमरे पे ही बहुत बढ़िया जॉगिंग करेंगे। कीप गोइंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी। पूरे अभ्यास के दौरान, पूरे क्लास के दौरान आप अपनी क्षमता के अनुसार ही कोई भी अभ्यास करेंगे। जहां पे मैं थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो स्पीड को कम कर लें। चलिए अभी सामने की तरफ 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1
करते रहिए। सभी की सांसें थोड़ी बढ़ जाएंगी लेकिन कोई बात नहीं, सांसों का बढ़ना जरूरी है, थोड़ा कार्डियो कर लेते हैं जिससे शरीर जो है में ऊर्जा उत्पन्न होगी। चलिए साइड बाय साइड, 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 कीप गोइंग। जहां में आप लोग थोड़ा सा लगे कि रुकना, कीप जॉगिंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत। चलिए कमर, थोड़ी सांसें भले आपकी मजबूत हो जाएंगी ये सारी एक्सरसाइजेस करके, लेकिन रुकना नहीं है। चलिए कीप गोइंग फ्रेंड्स। अब थोड़ी कर लेते हैं कम से कम 3 राउंड बर्पी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। इंटरनेट का बीच में इशू आ जाता है इसीलिए मैं आई कीप ऑन चेकिंग कि मैं आपसे डिस्कनेक्ट ना हो पाऊँ। दैट इज़ द बिगेस्ट हर्डल अभी। तो चलिए सभी लोग शुरू करते हैं बर्पी। 3 तरीके से करेंगे। जो लोग भी पहले बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं या किसी तरीके से उनके शरीर में किसी तरीके की व्याधि है तो वो आराम से करेंगे धीरे धीरे। और हम जब अगर आप लोग फिट हैं तो उसको मतलब दूसरे तरीके से करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बिगनर किस तरीके से करेंगे, 1 2 3 4 10 राउंड करेंगे और रुक जाएंगे। 3 4
रिलैक्स, शांत हो जाएं। आपने बहुत बढ़िया वार्म अप एक्सरसाइजेस की जिससे आपका शरीर गर्म हो चुका है, आपके जॉइंट्स ओपन हो गए हैं। अब आगे के अभ्यास के लिए आपका शरीर तैयार है। चलिए सभी लोग एक बहुत बढ़िया सा स्ट्रेच देंगे अपने बॉडी को। दोनों पैरों को एक साथ लेके आए, दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं और अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे और लोअर बॉडी को नीचे की तरफ खींचेंगे। एक अपोजिट खिंचाव महसूस कीजिए। खींचिए खींचिए, स्ट्रेच योर सेल्फ नाइसली एंड कम बैक। अब अपनी दाहिनी तरफ या बाईं तरफ मुड़ के आराम से अपनी मैट पे सभी लोग बैठ जाएं। चलिए आगे का अभ्यास शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वो सारे आसन जिससे हमारे शरीर में एक बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगी। जब हमारी बॉडी में बैलेंस और स्टेबिलिटी रहती है तो हमारा मन भी एकाग्रचित रहता है। जो भी लोग स्टूडेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा मेंटल एक्टिविटी करते हैं, और कोई भी इंसान, तो हमारे दिनचर्या में फोकस का होना, बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शरीर बैलेंस्ड होता है दैट मीन्स कि आपके माइंड में भी उतना ही ज़्यादा आपका कंट्रोल है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आप सभी। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग, बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस आए जो कि मैं अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं सेशन के एंड में आप सभी के मैसेजेस लूँगी। एंड इफ़ यू वॉन्ट कि कोई मैसेज आपको हाईलाइट करना है या कुछ करना है, तो यहाँ पे एक सुपर चैट का ऑप्शन है जहाँ पे आप कमेंट कर रहे हैं, वहीं पे एक डॉलर का साइन है। इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट, तो वो आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑल्दो दीज क्लासेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी के लिए फ्री हैं, सो दैट हम कोरोना से अपनी जो जंग है फिटनेस के थ्रू और भी ज़्यादा स्ट्रांग कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं बैलेंसिंग आसनास। सबसे पहले हम करेंगे वृक्षासन, ठीक है, इसको ट्री पोज भी कहते हैं इंग्लिश में। वृक्षासन में हमारे शरीर की आकृति जो होती है दैट इज लाइक अ ट्री। तो सबसे पहले सभी लोग दोनों पैरों को एक साथ इस तरीके से लेके आए, खड़े हो जाएं सभी लोग अपनी मैट पे, और अपने आसपास आप लोग कोई स्ट्रैप, दुपट्टा, स्कार्फ ये जरूर रखें क्योंकि आगे इस्तेमाल होने वाला है। तो सभी लोग खड़े हो जाएं वृक्षासन में और गहरी लंबी सांस लें। अब अपने बाएं पैर को इस तरीके से उठाएं या दाहिने पैर को इस तरीके से उठाएं धीरे धीरे। सबसे पहले वृक्षासन करने के लिए, कोई भी बैलेंसिंग पोज करने के लिए, आपको एक बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। जब आप एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आप घर पे ट्राई करके देखना, और जो लोग ऐसे करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे वो तत्काल तुरंत दीवार का सहारा ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपके शरीर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है या कि आप बहुत ज्यादा हेल्दी हैं तो दीवार का सहारा ले लें, बिगनर है तो भी दीवार का सहारा ले लें। गहरी लंबी सांस लें, एक पॉइंट पे फोकस करें, कोई भी एक इमेजिनरी पॉइंट क्रिएट कर लें सामने अपनी दृष्टि से। गहरी लंबी सांस लें और अपने बाएं पैर को उठाते हुए अपने दाहिने पैर के इनर थाइस पे इस तरीके से प्लेस कर दें, रखें और कुछ देर यहाँ पे होल्ड करें। दोनों हाथों को इस तरीके से नमस्ते बनाएं और छाती के सामने रख लें, या कि आप इस तरीके से अपने सर के ऊपर भी रख सकते हैं। अपनी सांसें नॉर्मल रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली रिलैक्स एंड कम बैक। अब जो भी लोग इस तरीके से अपना पैर अपनी इनर थाइस के पास इस यहाँ पे नहीं रख पा रहे हैं वो क्या करेंगे, या तो आप पैर यहाँ पे रखेंगे इस जगह पे, और पैर सामने ऐसे नहीं रहेगा, इस तरीके से पीछे रखेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग यहाँ पैर नहीं रख सकते वो इस जगह पे घुटने
3, 2, 1, ठीक है। और इसको जो पैर है उसको पीछे की तरफ इस तरीके से पुश करेंगे ताकि पैर सीधा रहे। 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। यही चीज दूसरे पैर से सभी लोग रिपीट करेंगे। जो बिगनर है वो यहाँ पे होल्ड करेंगे और जो प्रैक्टिशनर है वो इस जगह पे होल्ड करेंगे। दीवार का सहारा ले सकते हैं आप सभी। एक बिंदु पे फोकस करें और सांसें नॉर्मल। 5, 4, 3, 2, 1 इन आसनों से आपके पैर को बहुत अच्छी मजबूती मिलती है। आपके एंकल स्ट्रेंथन होते हैं, आपके घुटने स्ट्रेंथन होते हैं, आपका पूरा का पूरा बॉडी तो स्ट्रेंथन होता ही होता है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथन होता ही होता है। इसके साथ का आपका फोकस, बैलेंस, कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीजें इंप्रूव होती है। चलिए दीवार का साथ आई होप कि आप आसन में कंफर्टेबल हैं। जहां पे भी अनकंफर्टेबल हो तुरंत दीवार का सहारा ले लेंगे सभी लोग, ठीक है। तो ये हमने प्रैक्टिस किया वृक्षासन। अब सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम तीनों वीरभद्र आसन का सीरीज प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ताड़ासन में खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को एक साथ लाएं, गहरी लंबी सांस लें और शरीर को स्टेबलाइज करें। अब दोनों पैरों के बीच में कम से कम 3 से 4 फुट का फासला अपनी हाइट के हिसाब से इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से फासला बनाइए। अब अपने दाहिने पैर को, राइट लेग को बाहर की तरफ 90 डिग्री में इस तरीके से घुमा दीजिए, ठीक है। और जो लेफ्ट लेग है उसको स्लाइटली, बस बहुत थोड़ा सा अपनी राइट लेग की तरफ घुमाएंगे और कुछ देर गहरी लंबी सांस लेंगे यहाँ पे और इस पोज को स्टेबलाइज करेंगे। वापस से वीरभद्र आसन जो हम बंद कर रहे हैं, इससे आपकी नीज, आपके घुटने, आपके एंकल्स, काफ मसल्स, आपकी थाइस, आपकी हिप्स, आपके शोल्डर्स, आपकी लाइक पूरी की पूरी अपर बॉडी में बहुत बढ़िया स्ट्रेच और स्ट्रेंथ डेवलप होगा। तो और जो लोग कंफर्टेबल नहीं है वो दीवार के सहारे ये आसन को करेंगे। चलिए गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को राइट लेग की तरफ, दाहिने पैर की तरफ इस तरीके से घुमा लें और धीरे से अपने दोनों हाथों को इस तरीके से हवा में उठाएं अपने सर के ऊपर और एक दूसरे के साथ जोड़ लें, ठीक है। अब धीरे से अपने दाहिने पैर के घुटनों को मोड़ेंगे और इस जगह पे होल्ड करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका जो घुटना है वो आपकी एंकल्स के पैरेलल हो, ना ही बहुत ज्यादा आगे और ना ही बहुत ज्यादा पीछे, ठीक है। इस तरीके से सीधा, योर एंकल्स एंड योर नीज आर इन वन लाइन एंड लेफ्ट लेग एकदम सीधा। चलिए होल्ड कीजिए सभी लोग, 10, 9, ऊपर देखिए, खींचिए अपनी अपर बॉडी को, 5, 4, 3, 2, 1 बैक। ये तो हो गया अपने राइट लेग से। अब सेम प्रैक्टिस हम रिपीट करेंगे अपने लेफ्ट लेग से। दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फुट का फासला इस तरीके से रखें, लेफ्ट लेग को 90 डिग्री बाहर घुमा दें, राइट लेग को स्लाइटली लेफ्ट लेग की तरफ, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को लेफ्ट लेग की तरफ मोड़ दें, घुमा दें। अब अपने लेफ्ट लेग के घुटनों को बेंड करें और एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपकी एंकल्स और घुटने एक साथ। इनहेल एंड लुक अप, होल्ड योर ब्रेथ, लुक अप, कुछ देर होल्ड करेंगे इधर ही और आपकी थाइस में एक तरीके का फायर महसूस करेंगे आप। एंड कम बैक, परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बेहतरीन किया आप सभी लोगों ने। अगर
ठीक है। वीरभद्र आसन 2 कीजिए, 3 से 4 फीट का फासला रखा। अब अपने दाहिने पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्री घुमा के एकदम सीधा दीवार की तरफ, और वापस से अब अपने घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे लेके आएंगे इस तरीके से एकदम सीधा, और जो दोनों हाथ हैं आपके ग्राउंड के पैरेलल रहेंगे, और इनहेल एक्सहेल करते हुए बेंड योर नीज एंड 90 डिग्री में लेके आएंगे आपके एंकल्स, आपके घुटने एक लाइन में, आपका लेफ्ट लेग सीधा। होल्ड कीजिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फील दैट फायर इन योर थाइस। और ये बहुत अच्छा है, आपकी इनर थाइस भी कितनी बढ़िया तरीके से खुल रही हैं। चलिए कम बैक, अब सेम चीज हम रिपीट करेंगे अपने लेफ्ट लेग से। सभी लोग अपने पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का फासला मेंटेन कीजिए अपनी हाइट के हिसाब से। लेफ्ट लेग ऑल द वे टुवर्ड्स द वॉल। अब गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथों को ग्राउंड के पैरेलल अपने शोल्डर्स के पैरेलल रखें। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग की जो नी है उसको बेंड करें, क्रिएट अ 90 डिग्री इस तरीके से, ठीक है। आपके एंकल्स और आपकी नीज एक लाइन में, ठीक है। तो हमने किया वीरभद्र आसन 1, वीरभद्र आसन 2, अब करेंगे वीरभद्र आसन 3, वॉरियर पोज 3। इसके लिए सभी लोग दोनों पैर को एक साथ लेके आए, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें, और एक बिंदु अपने दिमाग के सामने एक बिंदु, इमेजिनरी बिंदु क्रिएट करें, इमेजिनरी एक पॉइंट क्रिएट करें जहां पे आप फोकस करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, अब सारा का सारा भार अपने दाहिने पैर पे देते हुए इस तरीके से धीरे धीरे सामने की तरफ झुकना शुरू करेंगे। जब आप सामने की तरफ झुकेंगे आपकी स्पाइन सीधी रहेगी, और सामने की तरफ झुके देखें आपका सर ऑटोमेटिकली सामने की तरफ देखें, एंड होल्ड 5, 4, 3, 2, 1 एंड कम बैक। इसी तरीके से दूसरे पैर से रिपीट करेंगे, जो लोग कंफर्टेबल नहीं है वो इस तरीके से दीवार का सहारा ले लेंगे। अपना पूरा का पूरा भार आपके बाएं पैर पे लाइए, इनहेल कीजिए, और धीरे 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 इस तरीके से सामने जाना शुरू करेंगे। चलिए सभी लोग करते हैं, और दोनों हाथ सामने की तरफ रखेंगे, ठीक है। सभी लोग करते हैं दाहिने बाएं पैर से इनहेल, एंड धीरे 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 सामने की तरफ, सॉरी मेरा पैर अटक रहा है पीछे, होल्ड कीजिए 5, 4, 3, 2, 1 एंड कम बैक। ये हो गए वीरभद्रासन 1, वीरभद्रासन 2, वीरभद्रासन 3। अब करते हैं एक और आसन जो आज की क्लास का लास्ट आसन होगा, मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, दैट इज नटराज आसन, या इसको इंग्लिश में डांसर्स पोज भी कहते हैं। इसके लिए जो बिगनर्स हैं वो दुपट्टा ले लें या कोई स्कार्फ ले लें। अब चलिए पूरे शरीर का भार आपके दाहिने पैर पे रखिए, और धीरे से अपने उल्टे पैर को इस तरीके से पकड़िए, लेफ्ट लेग को इस तरीके से पकड़िए, एक एक पॉइंट पे फोकस कीजिए, और गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, ठीक है, और बैलेंस क्रिएट कीजिए 5, 4, 3, 2, 1 एंड बैक। जो लोग भी ये नहीं कर पाएंगे वो इस तरीके से दुपट्टा ले लें, घबराइएगा नहीं, आप इसका निरंतर
इस तरीके से फंसा लें, ठीक है, और खींचे ऊपर की तरफ और सामने बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें इस तरीके से, बिगनर्स करेंगे, ठीक है। तो दुपट्टे का सहारा लेके भी आप सभी कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 इस तरीके से ऊपर भी खींच सकते हैं एंड रिलैक्स। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ऑन योर बॉडी स्ट्रेंथ, कि आप किस जगह पे कंफर्टेबल हैं। कभी भी अभ्यास के दौरान आप दीवार का सहारा लेना चाहें बिल्कुल लीजिए, कुर्सी का सहारा लेना चाहें बिल्कुल लीजिए, किसी दुपट्टे या स्ट्रैप का सहारा लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यू शुड ऑलवेज गेट द हेल्प। अब ये सारे आसन करने के बाद हम सभी आराम से लेट जाएंगे और आगे के अभ्यास की शुरुआत करेंगे, जो कि करेंगे प्राणायाम। चलिए सभी लोग मैट पे लेट जाए, दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथ के बीच में फासला एंड रिलैक्स, 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 रिलैक्स। अभी तक हमने जो जो भी अभ्यास किए उनको विजुलाइज कीजिए। हमने दिन की शुरुआत एक रिलैक्सेशन से की, फिर उसके बाद हमने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की, फिर हमने किए कुछ सूक्ष्म व्यायाम, फिर हमने किए कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस, और उसके बाद हमने किए वृक्षासन, वीरभद्रासन 1, वीरभद्रासन 2, वीरभद्रासन 3, और उसके बाद हमने किया नटराजासन। इससे आपके शरीर में एक तरीके की पॉजिटिविटी को महसूस कीजिए। अभ्यास के बाद आपका शरीर कितना हल्का महसूस हो रहा है आपको, बंद आंखों से पूरे शरीर को एक बार देखें, गहरी लंबी सांस लें और दोनों पैरों को एक साथ लेके आए, दोनों हाथ को हवा में इस तरीके से उठाएं और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचें, लोअर बॉडी को नीचे की तरफ खींचें, खींचे खींचे खींचे, स्ट्रेच योर सेल्फ नाइसली एंड कम बैक। अब अपने दाहिनी साइड या बाई साइड इस तरीके से घूम जाए और आराम से मैट पे बैठ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं प्राणायाम की। आज के अभ्यास के बाद काफी अच्छा पसीना आ रहा है शरीर में, जो कि अच्छी बात है। सभी लोग मैट पे बैठ जाएं और गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। मैं जरा कैमरे को एडजस्ट कर लेती हूँ सो दैट कि अच्छी तरीके से हम इंटरैक्ट कर पाए। सभी लोग जिस भी सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना कंफर्टेबल महसूस करते हैं उस तरीके से बैठ जाएं आराम से। आप इस तरीके से सुखासन में बैठना चाहते हैं सुखासन में बैठ जाइए, चेयर में बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, आराम से जहां पे आप आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल आराम से बैठ जाएंगे। तो मैं बैठ गई हूँ क्योंकि पूरे अभ्यास के दौरान हमारी स्पाइन और हमारी गर्दन जो है वो एक लाइन में होनी चाहिए, हमेशा सीधी होनी चाहिए, ठीक है। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। पूरे अभ्यास के दौरान आप आंखें बंद रखें और मेरे इंस्ट्रक्शन को सुने और जो भी ध्यान है वो इस जगह पे रखेंगे, माथे के बीच में रखेंगे। इनहेल, गहरी लंबी सांस लीजिए सभी लोग और सांस छोड़ें। सांस जब छोड़ेंगे तो बहुत धीरे धीरे फुटकर सांस छोड़ेंगे, बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। जितने धीरे आप सांस छोड़ेंगे उतना ही आपका मन हल्का होगा और शरीर शांत होगा। चलिए गहरी लंबी सांस लेंगे, जब सांस लेंगे तो अपने पेट को बलून की तरह फुलाएंगे, अपनी छाती को एक्सपैंड करेंगे और आपके शोल्डर्स ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी एब्डोमेन ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग और क्लैविकुलर ब्रीदिंग। तो जब आप इनहेल करेंगे, बल्ज अप योर एब्डोमेन लाइक अ बलून एंड
योर लाइक चेस्ट विल एक्सपैंड एंड योर शोल्डर्स विल गो अप। चलिए सारे अभ्यास साथ में करते हैं सभी लोग, और अपने हाथ को इस तरीके से आप ब्रह्म मुद्रा में रख सकते हैं अपनी नाभि के करीब। ठीक है, गहरी लंबी सांस लें, एक्सपैंड योर बेली, एक्सपैंड योर चेस्ट, शोल्डर्स गो अप, आपके पूरे के पूरे फेफड़े की जो लंग्स की कैपेसिटी है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड एज यू एक्सहेल बेली गोज इन, चेस्ट डाउन, शोल्डर्स डाउन। चलिए पांच राउंड और करते हैं आराम से एब्डोमिनल थोरेसिक एंड क्लैविकुलर ब्रीदिंग, इसको फुल योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। इनहेल, आप चाहें अगर महसूस करना चाहते हैं अपने पेट की मूवमेंट को तो इस तरीके से दाहिने हाथ को अपने पेट पे रख लें, बाएं हाथ को इस तरीके से छाती पे रख लें, गहरी लंबी सांस लें। चलिए पांच राउंड सभी लोग करेंगे और फिर उसके बाद रुक जाएंगे। इनहेल, बेली आउट, चेस्ट आउट, शोल्डर्स अप, एक्सहेल बेली इन, चेस्ट इन, शोल्डर्स डाउन। आप चाहें तो इस अभ्यास को लेट कर भी कर सकते हैं। इनहेल, बहुत धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। इनहेल और फेफड़ों को भरिए, अपने पूरे के पूरे फेफड़े की कैपेसिटी को इस्तेमाल कीजिए, इससे आपके लंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, स्ट्रेंथन होंगे, आपके शरीर में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो बढ़ता है। ज्यादा से ज्यादा हम जो भी टॉक्सिक गैस है उसको बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे, जितनी भी नेगेटिविटी हमारे शरीर में भरी पड़ी है, उसने घर कर लिया है, हमारी नस नाड़ियों को ब्लॉक कर रहे हैं, वो सारी नेगेटिविटी एक्सहेल करते हुए हम बाहर छोड़ेंगे दोस्तों, और सारी की सारी आसपास की जितनी भी पॉजिटिविटी है उसको अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर इन्हें धन्यवाद कीजिए आज के खूबसूरत दिन के लिए। एंड रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए सभी लोग करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, और जो अभी हमने फुल योगिक ब्रीदिंग की उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप किसी भी उम्र के हो, कोई भी आपकी स्थिति हो, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी के दौरान, पीरियड्स के दौरान, आप फुल योगिक ब्रीदिंग बिल्कुल कीजिए। अगर आपका रिसेंट कोई ऑपरेशन हुआ है तो भी बिल्कुल कीजिए, आपको जो भी लाइक ऑपरेशन हुआ उसमें बहुत जल्दी रिकवरी होगी, हीलिंग होगी, तो फुल योगिक ब्रीदिंग हर एक इंसान कर सकता है। आप चाहें तो इसको आराम से एक जगह पर लेट कर भी कर सकते हैं, नो मैटर क्या टाइम है, किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो फुल योगिक ब्रीदिंग करने के बाद अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त आपके शरीर में एक तरीके की ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा हमारे पूरे के पूरे दिन को एक्टिव रखने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आप जब भी दिन की शुरुआत करें, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क रहता है, तो भस्त्रिका प्राणायाम आपको मदद करेगा आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन और बैलेंस बढ़ाने में। इसके अलावा हमारे शरीर में जो भी लाइक ब्लॉकेज है, हमारी नस नाड़ियों में जो भी ब्लॉकेज है उसको भी क्लियर करता है, आपके थॉट्स में क्लैरिटी क्रिएट करता है। जिन भी लोगों को हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी, पेट में अल्सर, हार्निया, मिर्गी की समस्या है, तो वो भस्त्रिका प्राणायाम का ना करें, प्रेग्नेंट वुमेन भी ना करें, और पीरियड्स के जो पहले, दूसरे और तीसरे दिन हो उस दिन बिल्कुल भी अवॉइड करें, क्योंकि इससे हमारे शरीर में एक तरीके का प्रेशर ऊर्जा उत्पन्न होगी। चलिए सभी लोग शुरू करते हैं। जो भी लोग बिगनर हैं तो वो इस तरीके से भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपके हाथ बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेंगे, तो इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। चलिए तो तीन तरीके से हम कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इससे ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो जो जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इस तरीके की समस्या है, अगर वो करना चाहते हैं, अगर वो करना चाहते हैं, उनकी बॉडी अलाउ करे, तो सिर्फ इस तरीके से करेंगे। कैसे? फर्स्ट गहरी
गहरी लंबी सांस लेंगे, अपनी छाती को एक्सपेंड करेंगे, बेली को नॉर्मल रहने देंगे, बेली को नॉर्मल रहने देंगे। इसके आगे कोई भी स्पीड में आपको खतरा नहीं लेना है, आप चाहें तो इसके 5 से 10 राउंड कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे स्पीड में आपको नहीं करना है। इससे आपकी स्थिति में हो सकता है थोड़ा सुधार ना हो, तो इस तरीके से धीरे धीरे करेंगे। जो भी लोग बिगनर हैं, जो भी लोगों को कोई भी समस्या है इस तरीके की, तो वो आराम से बहुत धीरे धीरे करेंगे, और जो लोग भी इंटरमीडिएट हैं, रेगुलर अभ्यासी हैं, वो किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से 20 राउंड करेंगे और केवल कुंभक की स्थिति महसूस करेंगे। इस वक्त आपका माइंड, आपका मन शून्य हो चुका है, कि कोई भी सांस ना तो आ रही है ना ही जा रही है, और एक तरीके की लाइटनेस आप अपने मन में महसूस कर रहे हैं, अपने माइंड में महसूस कर रहे हैं। इस लाइटनेस को सभी लोग महसूस करें, ये एक तरीके की मेडिटेटिव अवस्था है। चलिए, अब जो लोग भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, उनके शरीर में किसी भी तरीके का विकार नहीं है, वो इस स्पीड को थोड़ा और बढ़ा देंगे। हम सभी लोग साथ में करेंगे 30 पंपिंग भस्त्रिका प्राणायाम भी, और उसके बाद सभी लोग लेट जाएंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, महसूस कीजिए वो लाइटनेस, वो झंझनाहट, वो वाइब्रेशन महसूस कीजिए। इसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना है, कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट इज मोर देन इनफ। मेडिटेटिव अवस्था को महसूस करें सभी लोग, आपका मन शांत हो रहा है, थॉट्स में क्लैरिटी आ रही है। भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जब भी स्टूडेंट्स को कॉन्सेंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आती है, फोकस करने में प्रॉब्लम आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो सारे लोग भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आज से ही शुरू करें। चलिए, अभी सभी लोग ये करने के बाद, 3 राउंड करने के बाद, अब आपको डिसाइड करना है आपकी स्थिति क्या है। अगर आप हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या तो ना करें, और अगर करें तो बहुत स्लो स्पीड में करें, ठीक है। सभी लोग आराम से मैट पे लेट जाएंगे और अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। प्राणायाम के बीच में भी, पूरे अभ्यास के बीच में भी अगर आप रिलैक्स करते हैं, आप आराम करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इनहेल करें, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें सभी लोग, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। आप पूरे शरीर को वापस से एक बार खींचेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, अपोजिट बल लगाएंगे, खींचे अपने शरीर को, खींचे खींचे खींचे, एंड एक्सहेल एंड रिलीज एंड रिलैक्स। अपने दाहिनी ओर या बाईं ओर मुड़ के आराम से बैठ जाएं। चलिए, अगला अभ्यास हम सभी लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को आराम से हम करेंगे। आई एम श्योर ये आप सभी लोग सेशन को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और हर दिन कुछ ना कुछ सीख जरूर रहे होंगे। मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस सेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, सो दैट बहुत से लोग इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए, सभी लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से चिन मुद्रा में रख लें, ठीक है। आपके थम्स और इंडेक्स फिंगर को एक साथ रखें और अपने पैर पे अपनी घुटनों के पास रख लें और अपने
जो दाहिने हाथ है उसको हम रखेंगे नासिका मुद्रा में, या इसको विष्णु मुद्रा कहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से टर्न करके पाम के साइड रखेंगे, बाकी फिंगर्स इस तरीके से। चलिए गहरी लंबी सांस लेंगे और अपने राइट नॉस्ट्रिल को इस तरीके से बंद करेंगे, बहुत तेजी से बंद मत कर दीजिएगा, आराम से बहुत धीरे से लाइटली बंद करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, चार काउंट आज का अभ्यास करते हैं। आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि कितनी सांस आप ले रहे हैं, कितनी सांस, जितनी मान लो हम चार काउंट तक सांस ले रहे हैं तो उसको आठ काउंट तक एक्सहेल करेंगे, फिर चार काउंट तक सांस लेंगे और आठ काउंट तक एक्सहेल करेंगे। सबसे पहले अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से चार काउंट तक सांस लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से आठ काउंट तक सांस छोड़ेंगे, फिर वापस से चार काउंट तक अपनी लेफ्ट राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आठ काउंट तक छोड़ेंगे। आप चाहें तो इसके सांस के लेने की जो ड्यूरेशन उसको बढ़ा सकते हैं, अगर पांच ले रहे हैं, पांच इनहेल कर रहे हैं तो 10 एक्सहेल कीजिए, अगर 6 इनहेल कर रहे हैं तो 12 एक्सहेल कीजिए, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो चलिए सभी लोग शुरू करते हैं, गहरी लंबी सांस लीजिए और आप पूरे अभ्यास के दौरान अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। गहरी लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए सभी लोग। मैंने आंखें इसलिए खोली है कि लाइक बीच में अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी चली जाए तो वो मैं देख सकूं। इनहेल कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, पूरी सांस लीजिए, फेफड़ों को भरिए सांस से और दोनों नाक को बंद करके अब राइट नॉस्ट्रिल को खोलिए, एट काउंट तक सभी लोग सांस छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exhale. Now inhale 1, 2, 3, 4 and close both the nostril. Now open your left nostril and exhale through left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inhale. And as you exhale, बहुत धीरे धीरे exhale करेंगे और बंद आंखों से जो आप सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं उसको देखिए कि कब आप सांस ले रहे हैं, कब आप सांस छोड़ रहे हैं। Keep going, keep going. Inhale कीजिए और मन से देखिए कि मैं सांस ले रहा हूं या ले रही हूं। अब अपनी बंद आंखों से ही देखिए कि अब मैं सांस छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं। ये जो नंबर्स मैंने बताए चार और आउट आठ काउंट का, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप अभ्यास के दौरान कोई काउंटिंग पे ध्यान नहीं भी रखते हैं तो अच्छी बात है, आप बस ये ध्यान रखना कि गहरी लंबी सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हो, जितनी सांस ले रहे हो उससे जस्ट डबल सांस छोड़ रहे हो, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। एंड एक्सहेल बहुत धीरे धीरे, बहुत शांति से अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कोई भी इंसान दिन में किसी भी वक्त कर सकता है। इसके निरंतर अभ्यास से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी चिंता है वो खत्म होती है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती है, आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, आपका मन शांत होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से आपके शरीर में जो भी 72,000 से भी अधिक नाड़ियां हैं उनकी ब्लॉकेज दूर होती है, आपकी मुख्य तीन नाड़ियों में समन्वय स्थापित होता है, प्राण का प्रवाह जो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए सहस्रार चक्र की ओर अग्रसर होता है। कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद करके जब आप सांस ले रहे हैं उसको देखिए, जब आप सांस छोड़ रहे हैं उसको भी देखिए। हमारी राइट नॉस्ट्रिल रिप्रेजेंट करती है पिंगला नाड़ी को और लेफ्ट नॉस्ट्रिल रिप्रेजेंट करती है इड़ा नाड़ी को, और जब इन दोनों में बैलेंस स्थापित हो जाता है, समन्वय स्थापित हो जाता है तो प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी से होता है। कीप गोइंग, सांस को जितनी धीरे 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 बहुत धीरे धीरे छोड़,
छोड़ेंगे उतना ही ज्यादा आपका आपके मन पे कंट्रोल होगा, आपका मन उतना ही ज्यादा शांत होगा और इस चीज की अनुभूति आप सभी लोग कर रहे होंगे। आपका नर्वस सिस्टम शांत हो रहा है, आपका मन शांत हो गया, आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई मात्र एक अनुलोम विलोम प्राणायाम करके। इस शांति को हम थ्रू आउट द डे महसूस करेंगे और इस शांति को अपने परिवार के साथ साझा करेंगे, अपने पड़ोसियों के साथ साझा करेंगे, अपने समाज के साथ साझा करेंगे। हम शांत हो जाएंगे, किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति को अननेसेसरी रिएक्ट नहीं करेंगे। हमारा गुस्सा हमारे वश में है, हमारी जो भी शरीर की अननेसेसरी की गतिविधियाँ हैं वो हमारे वश में हैं और हमारा हम अपने कंट्रोल में हैं। चलिए आगे का अभ्यास शुरू करते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कोशिश करें। आजकल लॉकडाउन है, हमारे पास थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। आपने सुबह कम से कम 9 राउंड कर लिया, दोपहर में खाना खाने से पहले या खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद कर लिया, उसके बाद शाम में जब आपका 5 से 6 बजे का टाइम है तब कर लिया 9 राउंड, और सोने से पहले अगर आपने 9 राउंड कर लिया तो आपकी नींद इतनी ज़्यादा पीसफुल आएगी और चेहरे में एक तरीके का चमक आएगा। आप ऐसी सुख का अनुभूति करेंगे, ऐसी खुशी की अनुभूति करेंगे कि लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप किस वजह से खुश हैं, और उस खुशी का जो डेफिनेशन है आप खुद भी नहीं महसूस कर पाएंगे क्योंकि वो खुशी आपके खुद से अंदर है, उसका कोई रीज़न नहीं है। जिस तरीके से बच्चों के चेहरे में एक खिलखिलाहट होती है उसका कोई रीज़न नहीं होता, उसी तरीके से हम सभी को अपने अंदर का जो बच्चा है उसको डेवलप करना है योग का अभ्यास करके। ठीक है, चलिए मन की और भी अधिक शांति के लिए सभी लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम हम सभी 5 राउंड करेंगे अपने हिसाब से और उसके बाद रुक जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से आपके नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, आपका मन शांत होता है, और जब भ्रमर करेंगे तो उसमें ना का साउंड बाहर आएगा, फीमेल बी का साउंड बाहर आएगा, नाक से सांस बाहर निकालेंगे, मुंह बंद रहेगा, और जो भी ये रेजोनेंस है उसको अपने माइंड में सभी लोग महसूस करना। ठीक है, आंख बंद रहेगी, सारे सेंस ऑर्गन्स को आप कंट्रोल करेंगे, बंद करेंगे, और उसके बाद 5 राउंड करके आप सभी लोग रुक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर से अपनी आंख को बंद करेंगे, प्रेशर नहीं देंगे, हम हल्का सा बंद करेंगे सो दैट बंद हो जाए। और अगर आपको और भी अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप पता है क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आपके आसपास कोई टॉवल हो या कोई दुपट्टा हो उसको इस तरीके से अपनी आंख में बांध सकते हैं, इस तरीके से आंख में बांध सकते हैं और फिर भी अभ्यास करते हैं। और ज़्यादा लंबी देर, क्योंकि कुछ देर का अभ्यास करने के बाद आपके हाथ में दर्द हो जाता है और फिर आपको लगता है कि हाथ नीचे कर दें, तो इस तरीके से भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर तक करना है तो ठीक है, चलिए 5 राउंड करेंगे और फिर सभी लोग रुक जाएंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए, दोनों हाथों को आराम से रगड़ेंगे एंड रिलैक्स। आपके हाथों की जो ऊर्जा है उसको पूरे शरीर में ट्रांसफर करेंगे। चलिए अब सभी लोग शवासन के लिए आराम से अपनी मैट पे लेट जाएं और हल्का सा मतलब एक छोटा सा शॉर्ट रिलैक्सेशन करके सेशन को एंड करेंगे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दीज सेशंस। जो भी लाइव सेशन हम करते हैं हर रोज उससे आप
चाहे दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला, सभी लोग रिलैक्स करेंगे, शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। आज के पूरे दिन की हमने शुरुआत बहुत खूबसूरत शुरुआत की, पूरे शरीर को पहले लूजनिंग प्रैक्टिसेस की, उसके बाद हमने किए कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस, फिर उसके बाद हमने किए कुछ आसन और प्राणायाम कंटिन्यू करते हुए। अब हम रिलैक्स करेंगे अपने पूरे के पूरे शरीर को। गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़े बंद आंखों से पूरे के पूरे शरीर को स्कैन करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, स्कैन कीजिए अपने पूरे के पूरे शरीर को। आंखों को बंद रखिए, पूरे के पूरे शरीर को स्कैन कीजिए। रिलैक्स, 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 रिलैक्स। आपका शरीर शांत हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है। सृष्टि का धन्यवाद कीजिए, परमपिता परमेश्वर अल्लाह जीसस वाहेगुरु, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उन सभी का धन्यवाद कीजिए, उन सभी का धन्यवाद कीजिए। अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, अपने बुजुर्गों का धन्यवाद कीजिए, अपने भाई बहनों का धन्यवाद कीजिए, अपने पड़ोसियों का धन्यवाद कीजिए। एक बहुत खूबसूरत दिन की शुरुआत कीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए दोनों पैरों को एक साथ लेके आइए, दोनों हाथ को अपने सर के ऊपर लेके जाइए, स्ट्रेच कीजिए अपनी बॉडी को। सभी ने अच्छी तरीके से सेशन को देख के कुछ ना कुछ चीज़ें सीखी होंगी और आप अब ये जो रिलैक्सेशन है, ये जो लाइटनेस है आपके मन में, आपके शरीर में, ये पूरा दिन आपके साथ रहने वाली है। और आप लोगों के कुछ कमेंट्स देख लेती हूँ। आप लोगों ने बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं आप सभी, मुझे बहुत खुशी होती है जान के, और यही मोटिवेशन है मेरा हर दिन लाइव आने का। अदरवाइज ये चीज़ इतनी पॉसिबल नहीं है कि हर दिन लाइव आ सकूं। थैंक यू सो मच तीन कुमार जी फ्रॉम विशाखापट्टनम। आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों प्रैक्टिस करते हैं। और मैं शर्मिला जी अगर ये वीडियो देख रही हैं, लाइव देख रही हैं, और भानु जी ये लाइव देख रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कल उन्होंने अपनी प्रैक्टिस करते हुए मुझे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर किए, कुछ वॉइस नोट शेयर किए, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सब चीज़ें जान के। आप भी चाहें तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपनी जो प्रैक्टिस है उसकी वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं। देखिए काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, लेकिन अभी सबको लाइव में पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल है। राजकुमार एम उपासे, थैंक यू सो मच, आपने एक कंट्रीब्यूशन किया है इस सेशन के लिए जो कि ऊपर मेरे को दिख रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपके किसी भी तरीके के अगर सवाल है ना, वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। विजय कह रहे हैं मैं तो खाली देखा। कोई बात नहीं, अगर आपने देखा भी तो आई एम श्योर कि आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी। दीपक कह रहे हैं कि सुप्रभात भस्त्रिका, सामान्य गति से करते वक्त मैं थकान महसूस करता हूं परंतु जल्दी गति से परेशानी नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है, मार्गदर्शन करें। देखिए बात जल्दी और देर की नहीं है, बात यह है कि आप रिलैक्स होने चाहिए। आपको आपकी स्थिति, क्योंकि अगर आप किसी योग गुरु की निगरानी में अगर अभ्यास करते हैं तो वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। तो यहाँ पे यही है कि जो भस्त्रिका है उसको आप
कितनी करते वक्त कितनी सहजता महसूस करते हैं। और जब भी आप भस्त्रिका प्राणायाम करें या कि आप कपालभाति का अभ्यास करें, हमेशा कुछ फ्यू सेकेंड्स के लिए अभ्यास के बीच में एक राउंड करके, बहुत लंबा राउंड ना करके, बीच में आप आराम से लेट जाएं। इससे आपका मन भी शांत होगा और आपके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा राउंड कर पाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूअसली वो अभ्यास करते रहते हैं, एक टाइम के बाद क्या होता है, उनका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, वो टायर्ड महसूस करते हैं, उनकी कमर में दर्द होने लगता है और फिर वो अभ्यास करना छोड़ देते हैं। तो लेकिन एक छोटा सा यही बताऊंगी कि आप अभी जैसे हमने पूरे एक घंटे का अभ्यास किया और हम ऐसा महसूस कर ही रहे कि हमने इतनी सारी एक्सरसाइजेस की, आसन किए, प्राणायाम किए, हम वी फील वेरी फ्रेश, वी फील सो लाइट। और यही लाइटनेस हमें अपने पूरे दिन के काम करने में मदद करेगी। और आई एम श्योर कि जो भी लोग इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछले 10 दिनों से आज 11वां दिन है, कंटिन्यू कर रहे हैं, उन्होंने अपने शरीर में, अपने मन में कोई ना कोई चेंजेस तो ज़रूर महसूस किया होगा, वो शांति महसूस कर रहे होंगे, जो कि योग की एक्चुअल में खासियत है। काजल कह रही हैं कि कपालभाति को पीरियड्स के दौरान, किस लिए लेडीज़ को पीरियड्स के दौरान कपालभाति क्यों नहीं करनी चाहिए। तो काजल, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा जो एब्डोमेन है उसको एक तरीके से पुश करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो एक तरीके से पंपिंग होती है, तो हमारे जो जननांग है, जो हमारा, क्योंकि पीरियड्स के दौरान ऑलरेडी हमारी जो ओवरी है, हमारी यूटरस है, उस पर प्रेशर होता है और वो ब्लीड करती रहती है, एंड हमारी जो एनर्जी है वो भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है पीरियड्स के दौरान। तो हमारे सिस्टम को पीरियड्स के दौरान हम जितना ज़्यादा रिलैक्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और अगर जब कपालभाति करते हैं तो एक तरीके का प्रेशर उत्पन्न होता है हमारी बेली में, तो वो प्रेशर हमारी लाइक यूट्रस के लिए, हमारी जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस वक्त ज़रूरी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में एक तरीके का प्रेशर है जो कि नेचुरल है, और ऊपर से हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो और भी लेस लो एनर्जी फील करेंगे। तो उस वक्त आप इन्वर्जन्स वाली एक्सरसाइजेस ना करें, जैसे कि आपका सर नीचे पैर ऊपर, और उस वक्त आप कपालभाति और भस्त्रिका भी कभी अभ्यास ना करें। और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप फुल योगिक ब्रीदिंग करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, इससे पीरियड्स आपके हैवी पीरियड्स में बदल जाएंगे। और पीरियड्स के दौरान जो भी असुविधाएं होती हैं, चिड़चिड़ापन होना, मूड स्विंग होना, तो ये सारी चीज़ें भी आप, काम डाउन होगा आपका माइंड। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का ज्वाइन करने के लिए। अभी जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी या कुछ होगा तो उसमें आप सभी लोग कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, मेरी आप सभी से गुजारिश है, कंजूसी मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सो दैट हम जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, बहुत सारे लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचे। और अपना फीडबैक, जो जेन्युइन फीडबैक है ना, आप वीडियो के नीचे देना कभी भी मत भूलना। सो आप लोगों का इसी तरीके से प्रोत्साहन मिलता रहा ना, तो मैं इस सेशन को और भी आगे तक ले जाऊंगी, इस सेशन को और भी आगे तक कंटिन्यू करूंगी, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलिए सेशन की हम करते हैं, सेशन को एंड करते हैं, और आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए।